अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो क्या हाल है भाइयों के? अरे भाई, गाड़ी ठंडी हो रही है। तो भाई आज जाने वाले हैं, थोड़ी सी फोटो शूट भी करेंगे और थोड़ी सी राइड भी लगाएंगे। तो चलते हैं बंदे की तरफ, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी होनी है, तो इसलिए गैस पहने हैं क्योंकि ऑफ रोडिंग ज्यादा है उधर, गड्ढे बहुत बुरे हैं, रोड से ही नहीं है, तो इसलिए भाई भाई दोनों ने बीच में से खेल लिया। तो भाई वैसे मैं पहले भी जा चुका हूँ वहां पर, मेरी सेकंड वीडियो है बंदे की, पार्ट टू कर दूंगा मैं इसको। राइडिंग एंड फोटो शूट विथ राइडिंग, तो भाई अलग ही मज़ा होता है कि जब हम कहीं पर जाते हैं। तो भाई इस टाइम जो है, मैंने सोचा फिर गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर जाने का मौका नहीं मिल पाएगा वहाँ पर, तो इसीलिए जो है मॉर्निंग में जाया जाए, क्योंकि फिर धूप हो जाती है तो काफ़ी गर्मी हो जाती है वहाँ पर। सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें बनाई हुई है यहाँ पर। गड्ढे गड्ढों में चलाने में यार मजा नहीं आता। आते में करनी है फुल ऑफ रोड, मस्ती लेनी है फुल। तो अभी तो लगभग टाइम हो रहा है 8:30, वही पुराना टाइम अपना 8:30 का, 8 से 8:30 बजे के बीच में निकलते हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भीड़ बहुत कम होती है, मगर इस टाइम हम गाँव में निकलेंगे तो भाई गाँव के लोग जल्दी उठ जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग थोड़ी सी भीड़ सी, मगर भीड़ वो ट्रैफिक वाली भीड़ नहीं होगी वहाँ पर, बस ऐसी वाली भीड़ होगी, ट्रैक्टर वाली, बुग्गी वाली, ऐसी वाली भीड़ तो मुश्किल, ये सब लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। भाई जाने के लिए भी धन्यवाद किया जा रहा है हमारा, हसनपुर से नीलम शराब टाटा ये और से भाई, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ से पड़ेगा थोड़ा सा भाई, क्योंकि रोड तो यहाँ साइड वो करने पड़ेगा। ये कितना पुराना है भाई, हमें सीधा नहीं जाना है, जाना है सीधे हाथ को। ओके, अभी सीधे सीधे निकल ले, हमें सीधे हाथ को ले लिए, और कभी उधर निकल जाए तो मैंने आपको पहले बता दिया। बहुत से लोग जो हैं वो पल्ली तरफ से जाते हैं घूमकर, इतनी दूर निकलने के बाद फिर बंदे मिलता है उनको, बंदा मिलता है सॉरी, तो माफ क्योंकि अड्डे वड्डे लगाते हैं भाई। ये देखिए धूल कितनी उड़ रही है, अगर आप आए तो चश्मा लेकर आए और मास्क जरूर ले रहे हैं, अगर आपने हेलमेट नहीं लगा रखा हो तो भाई हेलमेट और चश्मा और मास्क तो अनिवार्य समझिए इस रोड के लिए, जैसे कि कोरोना के लिए अनिवार्य है इसी तरीके से अनिवार्य है यहाँ पर भी। दो रोड हैं, एक तो ये पता नहीं कितना जा रहा है ये वाला, हमें इसको निकलना है, मगर भाई चलाएंगे बच्चे। तो भाई हमें इधर निकलना है स्कूल के उल्टा हाथ पर, ये बात पता लगेगा कि क्या लोकेशन क्या माहौल है उधर का। अभी तलक तो मुझे क्योंकि ठंड से महसूस हो रही है, मैं जैकेट पहन कर आया हूँ, अपनी राइडिंग जैकेट जो मैं यूज़ करता हूँ राइडिंग पे, तो वो पहन कर आया हूँ, और नीचे वैसे कुछ नहीं है मगर एक सैंडो है, फिर भी हल्की हल्की सी ठंड महसूस हो रही है, मतलब ये नहीं कि एकदम से बहुत तगड़ी वाली ठंड, मगर हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही है। तो भाई यहाँ से सीधे निकलने के बाद आपको लेफ्ट ले लेना है,
वहां से लेके यहाँ तक हम पैदल गाड़ी को लेकर आए थे, और यहाँ पर दो बच्चों की दुकान थी, उन्होंने प्रिंटर डाला था, वो मुझे नहीं दिखाई दिया कि किधर कूद है। तो भाई आप, अरे यार क्या है बकवास, मैं बताऊंगा कि जहां पर आपको बस स्टॉप पर सा एक देखने को मिलेगा, बस स्टॉप बना हुआ है, वहां से आपको लेना है। भाई ये जो बस स्टॉप सा बना हुआ है ना, ये वाला ये आपको दिख रहा है उल्टा हाथ पे, ठीक है, इधर को ही हमको गाड़ी मोड़नी है, जिधर भी लिखा है ना इधर को ही मोड़नी है। ऑफ रोडिंग हो चुकी है, चालू जो बस स्टॉप है उस पर ही हमको गाड़ी मोड़ ली है। ओ भाई साहब, ये देखिए यहाँ से निकाला है रहता, अगर मैं यहाँ पे स्टैंड ये पता नहीं कैसे सूख गया, मैं इधर आया था भाई, कर रहा बता रहा है, देख रहा हो ते, मैंने बताया था ना ऑफ रोडिंग करने वाला काफी मजा आने वाला है। तो भाई कहीं कहीं बचा हुआ है पानी, थोड़ा सा आगे बढ़ा, यहाँ बस खड़ी कर दी अपनी गाड़ी, देखिए किस तरीके खड़ी हो चुकी है कि बिल्कुल भी थोड़ा सा भी कितने का कोई मतलब नहीं। स्टैंड तो बस ही नाम के लिए लगा हुआ है, बाकी तो देते ने रोक लिया गाड़ी, और करते हैं अभी कुछ थोड़ा सा कॉल मॉल, तो जब के लिए मिलता थोड़ी सी देर। तो भाई यहाँ पर अभी हम आए हुए थे, तो यहाँ पर जो है पानी सारा सूख चुका है, तो अब तो देख सकते हैं आप जिधर को भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपका पानी सब सूखा हुआ है। ये गंगा के बीच में खड़े हुए हैं हम, यहाँ पर इस टाइम कुछ नहीं है, मगर हाँ थोड़ा सा उधर को है, वहाँ पर पानी है थोड़ा सा उधर, तो उधर को जाने का रास्ता बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर भी यार गाड़ी बहुत मुश्किल से लेकर आया हूँ, काफ़ी वैसे तो आ गई यहाँ तक, मगर काफ़ी मेहनत लगी यहाँ तक लाने में गाड़ी। तो भाई थोड़ा सा पानी इधर से आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, तो भाई बस थोड़ा सा ही पानी चल रहा है इधर से, मैं बताता हूँ, ये वो पानी आ रहा है इधर से, पानी आते हुए ये इधर को निकल के इधर को निकल रहा है, देख सकते हैं बस इतना सा ही पानी बचा हुआ है जो मेरे पीछे आ रहा है, बस ये छोटी सी एक नाली टाइप की निकल रही है और पानी सब सूख चुका है। तो कुछ नहीं है भाई, अभी अगर आप आना चाहते हैं तो बस सिर्फ ठंडी ठंडी हवा मिलेगी आपको, और पानी नहीं मिलेगा, और रेता मिलेगा भरपूर तरीके से रेता मिलने वाला है। तो भाई आए खूब मस्ती लें, हमने फ़ोटो कुछ क्लिक करे हैं, वो हमने आपको दिखा दिए हैं, ये दिखा देंगे आप, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली, सब्सक्राइब कर दें ज़रूर, याद से सब्सक्राइब करना है, अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साले को काला कर दीजिए लाल वाले बटन को, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बम
slide. Stop the perky, just to start it. Purple, just a warm up. Pop two cups of purple, just a